ये है बीच में बादल। वाओ यार कितना सुंदर लग रहा है। Everyone, welcome or welcome back to my channel. मैं हूँ प्रांजलि श्रीवास्तव और आज हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से आदि योगी के जो शिव जी का एक बहुत ही बड़ा एक मूर्ति है, जैसे कि सिमिलर टू वैसी मूर्ति कोयम्बटूर में भी है, तो हम आज वो मूर्ति देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ है आयुष और हम लोग दोनों अभी निकल चुके हैं। इट्स ऑलमोस्ट 10:34 और हम लोग वाइट फील्ड का जो एरिया है वो क्रॉस कर रहे हैं एंड जो अराइवल टाइम है वो दिखा रहा है 12:10। लेट्स सी हम कितनी देर में पहुंच पाते हैं। और मेरा बहुत टाइम से मन था कि मैं जाके वो विजिट करूं क्योंकि बहुत सुना है उसके बारे में एंड कोयम्बटूर में तो खैर उनका पूरा सेंटर है योग का और वहां पर जाकर के आप एनरोल भी कर सकते हैं, उस तरह का वहां पर सेटअप है और क्या क्या चीज़ें वो हम देखेंगे। और हमारे साथ हमारा पेट भी जा रहा है तो मुझे वो भी देखना है कि पेट के साथ आप किस तरह जा सकते हैं। तो अगर आपके पास भी एक पेट है प्यारा सा तो आप ये व्लॉग पूरा एंड तक देखिएगा एंड अगर नहीं है तो भी देखिएगा बिकॉज इट्स गोइंग टू बी अ लवली जर्नी। वेदर बहुत अच्छा है और मैं सोच रही हूँ सनरूफ अपना मैं खोलूं, बहुत एक्साइटेड हूँ। और आज मैं ड्रेसअप हुई हूँ एक बहुत ही फेमस सेलिब्रिटी की तरह। जब वो आदि योगी उन्होंने विजिट किया था तो ग्रीन लाइट हो गया, तो जब उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने सेम ड्रेस पहना था तो मैंने वैसा कुछ लुक रखने की कोशिश की एंड शी इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सेलिब्रिटी। बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि मेरा फेस उनसे रिजेंबल भी करता है, तो लेट्स सी मैं वहाँ पे कुछ उनके पिक्चर्स रिक्रिएट करने की कोशिश करती हूँ। लेट्स सी क्या क्या हो पाता है, तो ब्लॉग में बने रहिएगा। हमने ले लिए अपने साथ में अम्ब्रेलाज भी, क्योंकि हमने अपने साथ ले लिया अम्ब्रेला क्योंकि बारिश का भी मौसम हो गया है, तो हमने बड़ा अम्ब्रेला कैरी किया है हम तीन लोगों के लिए। ज़्यादा जोई पीछे बैठे हुए हैं मम्मी के साथ। हेलो। तो अभी है डिस्टेंस जो यहाँ से वाइट फील्ड एरिया में क्रॉस कर रही हूँ वहां से दिखा रहा है 75 किलोमीटर एंड 1 hour 30 minutes की जर्नी है। हम अभी 10:30 निकले हैं एंड ऑलमोस्ट 12:10 तक पहुंच जाएंगे मोस्टली। हमें अराइवल दिखा रहा है 12:24 का बिकॉज हम लोग पेट्रोल के लिए रुक गए थे और वहाँ थोड़ा टाइम लग गया और मैं भी कुछ कुछ सामान ले रही थी वहाँ से। सो और अभी तक हम ऑन ट्रैक चल रहे हैं। 43 किलोमीटर्स बचे हैं एंड 52 मिनट्स में हम पहुँच जाएंगे। रास्ता बहुत अच्छा है अभी तक और यही रास्ता हैदराबाद को जाता है और आई थिंक एयरपोर्ट के लिए भी यहाँ से कहीं एग्जिट होगा ज़रूर बिकॉज एयरपोर्ट हमें दिख रहा है यहाँ से, बहुत सारे प्लेन्स लैंड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड अभी है 1 किलोमीटर पे टोल गेट, तो बस चलते जा रहे हैं हम लोग। मज़ा आ रहा है बहुत, सामने हमें हिल्स दिख रही हैं विच वी आर सपोजिंग के नंदी हिल्स होंगी वो। और आयुष हाउ आर यू फीलिंग, कैसा आपको मज़ा आ रहा है गाड़ी चला के? मुझे कब देने का प्लान कर रहे हो? ठीक है। अब मम्मी पीछे से यहाँ से पीप करी, हेलो मम्मी। और जोई अपना आराम से मस्त सो रहा है। काफ़ी डिफरेंट सा ये टोल है, इसमें टेढ़ा बना हुआ है। Ooh, wow. Thank you.
तक ऑलमोस्ट पहुंचने वाले 5 किलोमीटर बचा हुआ है। रास्ता बहुत सीनिक है और अगर वेदर अच्छा और आप तब आते हो तब आपको बहुत मजा आएगा। पूरे रास्ते में आप पूरी ये हिली एरिया एंजॉय करते हुए जाएंगे। एंड अभी 13 मिनट्स बचे हैं, 12:22 अराइवल होने वाला है। आई थिंक हमने गूगल मैप्स को ही फॉलो किया है और हम टाइम पे ही पहुंच रहे हैं और देखते हैं कैसा होगा, एंट्री कैसी है और हमारे साथ छोटा पेट है उसके साथ किस तरह हम मैनेज करते हैं। विल शो यू इन द व्लॉग। हाँ यहीं पर लवली एंट्री यार, अबोर्ड ऑफ योग। पहाड़ों के बीच में ऊंची वादी में बसते हैं भोले शंकर भोले। और हम लोग पहुंच चुके हैं सच अ ब्यूटीफुल प्लेस और बहुत भीड़ भी है बिकॉज आज संडे है और उस वजह से भीड़ तो होनी ही थी, लेकिन बहुत प्यारी जगह है ये, बहुत ही ज़्यादा सुंदर। और पहाड़ों के बिल्कुल बीच में शिव जी का ये स्टैचू है और ये लाइन भी है लगी हुई है वहाँ अंदर जिनको जाना है पास जाने के लिए। हम देखते हैं कि कैसे पार्किंग है क्या है एंड जोई, स्पेसिफिकली हमें जोई का देखना है कि कैसे क्या होता है। विल सी, विल ट्राई टू फिगर आउट समथिंग क्योंकि हो जाएगा मैनेज आई गेस। कितनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर और ये है मॉम जोई और आयुष एंड पेट्स स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड। तो हम लोग अभी बारी बारी से जोई को पकड़ेंगे और दो लोग जाएंगे अंदर। ठीक है, थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा बिकॉज हम चाहते थे कि जोई भी यहाँ आए, है ना जोई। बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है, पूरा हिल्स के बीच में है ये, पूरे हिल्स है यहाँ पे। आपको मैंने वीडियो में सिनेमेटिक शॉट्स डाले हैं, लवली प्लेस, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अब चलते हैं अंदर, देखते हैं टिकट्स हैं या क्या है, एंट्री कैसे है वो हमें चेक करना है अभी। अपने फुटवेयर को आप यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। ये जो बैग्स होते हैं इस पे एक टोकन नंबर होता है, वही टोकन नंबर दिखा करके आप अपने फुटवेयर को एग्जिट पे कलेक्ट कर सकते हैं। ये फुटवेयर बैग्स एंट्री से एग्जिट पॉइंट पर पहुँचा दिए जाते हैं। चुके हैं आदि योगी एंड जोई को अभी आयुष ने लिया हुआ है बिकॉज पेट्स नहीं अलाउड इट्स अ टेम्पल, तो उस वजह से हम उसको लेके नहीं आए और मैं और मम्मा आए हैं। जो हमारे फुटवेयर्स होते हैं वो हमने वहाँ डिपॉजिट कराए हैं एंड वो हमें मिलेंगे एग्जिट पे जाके। बहुत ही ब्यूटीफुली और बहुत वेल मैनेज्ड है ये अभी तक। यहाँ पर एंट्री पर है एक नाग मंदिर और नाग मंदिर के बाद हम बाहर की तरफ, जैसे ही हम अंदर होते हैं वहाँ पर दिखती है ये शिव जी की इतनी प्यारी सी मूर्ति है, बहुत ही ज़्यादा सीरीन है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। बहुत शांति है, बहुत ही यू नो एक मेडिटेशन वाला इन्वायरमेंट है। शिव जी मतलब बीच में है एंड देन पूरा ये नेचर के बीच में बनाया गया है, दिस इज़ लवली। शिव जी का ये स्टैचू 112 फीट में बनाया गया है जो ये सिंबलाइज करता है कि हमें 112 तरीकों से मोक्ष प्राप्त हो सकता है और साथ ही ये हमारे ह्यूमन बॉडी के 112 चक्रों को भी सिंबलाइज करता है। और ये है वो एरिया जहाँ से आकर के आप अपने फुटवेयर्स को कलेक्ट कर सकते हैं। ये पार्किंग के ही पास है तो आपको इजी रहता है फुटवेयर लेकर के अपने व्हीकल के पास जाने में। उसी के पास वॉशरूम्स भी हैं एंड वॉशरूम्स बहुत ज़्यादा साफ थे। दो रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर जाकर आप खाना भी खा सकते हैं और बहुत ही रीज़नेबल रेट्स पर खाना वहाँ मिल रहा था। हम लोग ऑलमोस्ट नीचे आ चुके हैं बहुत सारे पिक्चर्स लेने के बाद और आई थिंक वेदर की वजह से हमने ज़्यादा इन्जॉय किया ये पूरे एक्सपीरियंस को। क्यों आयुष, व्हाट डू यू थिंक? बहुत बहुत अच्छा वेदर था,
गर्मी भी नहीं है, क्योंकि अगर गर्मी होगी ना तो ये जो ये नीचे जो पत्थर है ना ये बहुत गर्म हो जाएंगे, क्योंकि अभी भी हल्की धूप आई है ना तो उसकी वजह से पत्थर बहुत गर्म हो गए। तो अगर आप समर्स में आते हैं तो उस टाइम पर ये पत्थर इतने ज़्यादा गर्म होंगे कि आपको वॉक करना मुश्किल हो जाएगा। एंड बहुत अच्छा मैनेजमेंट है यहाँ का, आप यहाँ पे फुटवेयर एक जगह देते हैं, देन एग्जिट पे आपको फुटवेयर मिल जाते हैं पार्किंग के पहले, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी। अभी हम रिसेंटली उज्जैन जाके आए हैं और वहाँ पे चप्पल के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा था, तो इसलिए मुझे ये सिस्टम यहाँ का बहुत अच्छा लगा। एंड अब बस हम लोग वापस लौट रहे हैं खाने पीने के लिए, एंड मम्मी इज सिटिंग विद जोई, तो इसलिए हमें अब थोड़ा फास्ट निकलना पड़ेगा। और ये है पार्किंग का एरिया जहाँ पे टू व्हीलर्स का सेक्शन अलग है और फोर व्हीलर्स का बहुत बड़ा सेक्शन है जहाँ पे आप अपने फोर व्हीलर्स को आराम से पार्क कर सकते हैं। पार्किंग की कोई फ़ी नहीं है, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। और बस अब हम लोग फाइनली निकल रहे हैं। कुछ स्नैक आइटम्स खाने के लिए, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है इसलिए हम लोग ने सोचा कि क्यों ना कहीं रुक ही जाएँ, रुक के थोड़ा यू नो टाइम स्पेंड करें। प्लान करें कि हम नंदी हिल्स भी जाएँ बिकॉज मौसम इतना अच्छा है और नंदी हिल्स ऑन द वे ही पड़ता है, तो वो भी हम करेंगे, तो इस ब्लॉग में वो भी कवर करने वाले हैं। सो देखते रहिएगा ब्लॉग। रास्ते में देखी बहुत सारे फ्लावर्स की खेती, क्योंकि हम जब बिग बास्केट्स ब्लिंकेट इन सब जगहों से फ्लावर्स ऑर्डर करते हैं पूजा के लिए, तो यहीं से होती है उनकी खेती और यहीं से वो बिग बास्केट और ये जो भी जितने भी ये क्विक कॉमर्स वाले ये पोर्टल्स हैं ये यहाँ से ही सोर्स करते हैं फ्लावर्स को। दिस इज़ व्हाट आई एम अज्यूमिंग एंड आई एम 100% श्योर कि वो मेरा अजम्पशन करेक्ट ही होगा। एंड अब हम लोग NH44 के थ्रू ही जा रहे हैं नंदी हिल्स, है नंदी क्रॉस, यानी कि हम ले रहे हैं यहाँ से एग्जिट लिया है हमने नंदी हिल्स की तरफ, अगर हम स्ट्रेट जाते तो हम बैंगलोर की तरफ चले जाते। और फाइनली आफ्टर कितने साल, 4 years के बाद मैं जा रही हूँ नंदी हिल्स। आयुष धोखेबाज तो जा चुके हैं एक बार, यहाँ से अराउंड 20 kilometers है। पर हिल रास्ता है, इतना तो कूर्ग में भी नहीं था। ये है नंदी हिल्स का एंट्री पॉइंट, यहाँ पे कहीं पार्किंग होगी शायद ना। ये है पार्किंग एरिया, इस पॉइंट के बाद आपको ये वाली बसेस के थ्रू ही टॉप पॉइंट पे जाना पड़ता है और इन बसेस की टिकट है 25 rupees पर पैसेंजर फॉर वन साइड। बस से ऊपर एक्चुअल जो पॉइंट है वहाँ पर, और यहाँ पे बस में हमें टिकट्स टिकट लेनी पड़ती है। जाने के बाद बहुत सारे व्यू पॉइंट्स हैं जहाँ पे जाकर के आप पिक्चर्स ले सकते हैं और माउंटेंस को देख सकते हैं, क्लाउड्स इंजॉय कर सकते हैं। और हम बहुत लकी थे कि हमारे आने के बाद मौसम बहुत चेंज हो गया और हम लिटरली बादलों के बीच में थे और ऐसा लग रहा था कि हम चेरापूंजी में हैं और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, बादल थे। इट वॉज़ अ वेरी ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस, आप देख सकते हैं, लग ही नहीं रहा था कि हम बैंगलोर के इतने पास हैं। वहाँ पर बहुत ज़्यादा मंकीज थे तो बहुत सावधान रहना पड़ता है क्योंकि वो लोगों की आइसक्रीम ले लेकर के भाग रहे थे। वीडियो आ गया तो ओहो मेरे पूरे बाल की ऐसी तैसी हो गई है। ये है बीच में बादल, वाओ यार कितना सुंदर लग रहा है। बारिश एंड इस जगह पे चेरापूंजी को भी फील कर दिया है, हल्की हल्की बारिश और बादलों के बीच में हम इस टाइम पर हैं। हमें यहाँ पे चाय वगैरह पी, खाने पीने के लिए बहुत कुछ है, पार्क किया और अब हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, व्यू ले रहे हैं, पिक्चर्स, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल।
अगर आप यहाँ पर स्टे करना चाहते हैं तो रिजॉर्ट्स के बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बहुत सारे प्रीमियम रिजॉर्ट्स जैसे कि मलबरी फ्रॉम मैरियट से लेकर के बहुत अफोर्डेबल रिजॉर्ट्स भी रास्ते में थे जहाँ पे आप इजीली बुक करके स्टे कर सकते हैं और इस व्यू को एंजॉय कर सकते हैं। वाह यार, अब बादल हट रहे हैं धीरे धीरे और अब हम लोग लौट रहे हैं नंदी हिल्स से वापस नीचे, और लिटरली हम नंदी हिल्स में चेरापूंजी के मजे लेके आए, एकदम मतलब अलग ही एक्सपीरियंस था। और बस से ऊपर जाते हैं ये सब मुझे पता ही नहीं था, मुझे लगता था कि कुछ एक स्पॉट होता होगा थोड़े ऊपर जाके जहाँ से आप सनराइज देखते हैं, मोस्टली नंदी हिल्स सनराइज और सनसेट के लिए ही फेमस है, तो वो मतलब कुछ अलग ही एक्सपीरियंस था। ऐसा लग रहा है कि लग ही नहीं रहा ऐसा कि हम बैंगलोर में हैं और हमने ये चीज़ एक्सप्लोर की। बहुत मज़ा आया और आई थिंक बिकॉज ऑफ रेन्स उस वो मज़ा और ज़्यादा दुगना हो गया, बिकॉज एकदम ऐसा लग रहा था बादलों के बीच में हम लोग थे और बारिश हो रही है एकदम हल्की हल्की सी। सो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस हमने किया था बहुत साल पहले चेरापूंजी में और आज मैंने वापस किया है, बहुत मज़ा आया। और अगर आपको ये व्लॉग यहाँ तक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।